महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ स्कूली शिक्षकों का आक्रोश। यहाँ केवल शिक्षक एक नहीं होंगे, भारत की पूरी जनता आएगी। यहाँ पूरे पेरेंट्स आएंगे, एक एक बच्चा आएगा और सवाल करेगा कि हमारी शिक्षा का हक कहाँ गया, हमारे सुख का हक कहाँ गया। और शायद एक बार फिर ये भारत जंग आजादी में जाएगा और एक बार फिर कोई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वापस आएगा। चेंबूर सेल कॉलोनी आदर्श विद्यालय के शिक्षकों ने सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि सरकार हेयरिंग लेकर शिक्षकों को तो परेशान कर ही रही है, साथ ही सरकार के इस रवैये से स्कूली बच्चों की शिक्षा में भी बाधा सरकार डाल रही है। अब हम मौजूद है तिलक नगर आदर्श विद्यालय के, यहाँ पर 17 लाख शिक्षक पूरे महाराष्ट्र से आंदोलन पर जा चुके हैं, स्ट्राइक पर जा चुके हैं। ऐसे ही आज सुबह यहाँ पर आदर्श विद्यालय के कुछ शिक्षक यहाँ पर नारे लगाते हुए 7वां पे कमीशन को लेकर और अलग अलग मांगे लेकर यहाँ पर उतरे हुए रस्ते पर। हम उनसे जानेंगे कि क्या मांगे हैं और सरकार से वो क्या कहना चाहते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे लेकर आप उतरे। ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने, हमने दो बार पहले स्ट्राइक की नोटिस इनको दे चुके थे। उन्होंने दो बार हमें बताया था कि हम कर रहे हैं। उन्होंने हमें लिखित भी दिया था कि हम 7th पे और आपकी जो डिमांड है 5 days वीक होगी, ओल्ड पेंशन होगी, ये सैंक्शन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी 4 महीने के बाद इन्होंने हमारी एक भी डिमांड सैंक्शन नहीं की है। इसके लिए 7, 8 और 9 अगस्त को पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉई हम स्ट्राइक के ऊपर है। आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम हमारे स्कूल के गेट के सामने ये डिमांड के लिए एजिटेशन कर रहे हैं। कल हम डेप्यूट डायरेक्टर ऑफिस में जाके 3 बजे एजिटेशन करने वाले। जब तक हमारी डिमांड ये गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं करेगी तब तक हमारी स्ट्राइक चालू रहेगी, चाहे उसके लिए हमें बेमुदत सम के ऊपर जाना पड़े, हम जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो मराठी आरक्षण मुद्दा जो गरमाया हुआ है उसी में ये निर्णय भी आपका लिया गया है, कहीं ना कहीं कोई दबाव में या कोई जिस तरह से वातावरण गर्म है उसके वजह से तो कहीं ना कहीं ये निर्णय नहीं लिया गया। बिल्कुल नहीं है, हम कल से स्ट्राइक के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट चाहती थी तो कल ही हमसे बात करती थी, आज भी बात कर सकती है, हमारी डिमांड सैंक्शन कर सकती है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये कामगार के खिलाफ गवर्नमेंट है, ये कामगारों को कुछ देना नहीं चाहती। दिन ब दिन सरकारी गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, हमारे बहुत सारे स्कूल के टीचर हैं जिनको बेवजह स्कूल से निकाला जा रहा है, जो पिछले 5, 6, 10 साल से पढ़ा रहे, सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं और सब वैलिड है, फिर भी ये गवर्नमेंट टीचरों को बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं दे रही है। हमारे स्कूल में ऑलरेडी टीचर कम है, फिर भी जितने भी टीचर है उनमें से 8-10 टीचरों के ऊपर बेवजह एक बार इंक्वायरी हो गई है। हाई कोर्ट ने बताया टीचर को इनको रखो, इनको सैलरी दे दो, फिर भी तावड़े साहब, फिर उनकी इंक्वायरी लगी हुई है। बहुत सारे मसले हैं, स्कूल उध्वस्त होने के, तबाह होने के कगार पर है और उनको बचाने के लिए, शिक्षा बचाने के लिए हम रस्ते के ऊपर आज स्कूल के गेट के सामने बैठे हुए हैं। कोई जिम्मेदार मानते हैं? हम नारा तो लगाते हैं कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। जब इंडिया के पढ़ने के सारे साधन ही बंद कर दिए जाएंगे तो इंडिया पढ़ेगा क्या, बढ़ेगा क्या? देखिए, सबका साथ और सबका विकास, यहाँ पे कुछ लोगों का ही विकास हो रहा है और आम जनता का यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। आम जो शिक्षक है, आम जनता, कामगार जो है, उनकी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो रही है। अगर जब उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो किस तरह से वो लोग काम करेंगे, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इसलिए ये जो सबका साथ और सबका विकास है, ये जो नारा है, कहीं ना कहीं इसमें मुझे थोड़ा डाउट लगता है। हमारी मांग जो है वो एजुकेशन पॉलिसी की है। जब से सरकार आई है एजुकेशन पॉलिसी को ध्वस्त करने के पीछे पड़ी हुई है। कभी भी महाराष्ट्र के इतिहास में शिक्षकों के मोर्चा के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ था, जो औरंगाबाद में इस सरकार ने करके दिखाया। गुरुजनों के ऊपर लाठीचार्ज करके इस सरकार ने अपना सारा रवैया बता दिया कि हम इनके विरोध में हैं। ना वो शिक्षक देना चाहती बच्चों के लिए, ना फीस बढ़ा के बच्चों को शिक्षा से दूर ढकेलना चाहती है। अब रविशंकर जी के आएंगे या रामदेव बाबा के स्कूल आएंगे, जो सारे फीस लेके ही यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ पे जो बच्चों के लिए, छोटे छोटे गरीब बच्चों के लिए जो शिक्षा दी जा रही है वो बंद करने के पीछे पड़ी हुई है ये सरकार। जब कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया, मगर इनका सारा रवैया पूरी तरह से अलग है, विरोधी है।
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नारे लगाते हुए यहाँ पर बैठे हैं, सरकार के विरुद्ध में नारे लगाते हुए यहाँ पर शिक्षक स्कूल के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके अंदर जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लोग बैठे हैं मांगे पूरी करने की, जो मांगों को लेकर यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर आए, हम उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है कि जिस तरह से वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या कहना है। हम यहाँ पर शिक्षक है, हम उनसे भी जानेंगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप क्या करेंगे, इस तरह से ही धरने पे बैठे रहेंगे? हाँ, बैठे ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे, क्योंकि क्यों टीचर्स ही क्यों, बाकी किसी को क्यों नहीं पकड़ते? टीचर्स अपॉइंटमेंट होने के बाद उनको हियरिंग के लिए बुलाते, उनका जॉब का सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम होता है, तो सब टीचर्स को ही क्यों सहन करना पड़ता है? वर्कलोड के हिसाब से, काम के हिसाब से, पगार के हिसाब से, छुट्टी के हिसाब से, सबका ध्यान सिर्फ टीचर्स पे ही होता है कि टीचर्स को इतना पगार मिलता है, टीचर्स को इतना मिलता है, लेकिन वो देखते नहीं कि टीचर्स पे कितना हम हमारा काम घर होने के बाद घर पे भी लेके जाते हैं, स्कूल के बाद घर पे भी लेके जाते हैं, तो वो क्यों ध्यान नहीं देता है उनका? टीचर्स पे जो दबाव है, जो ट्रस्ट होता है, कहीं ना कहीं टीचर भी दबाव में काम करते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ स्टीवन जॉर्ज, न्यूज मुंबई। शिक्षकों ने सरकार से कई मांग रखते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वी आर क्वालिफाइड टीचर्स, क्वालिफिकेशन है, फिर भी हियरिंग के नाम पे दे आर क्रिएटिंग प्रेशर इन अस, stress, and with this stress we are entering the classroom, with this stress we are teaching 60 students. Stay order जिसको मिला है, ऐसे भी टीचर हैं जिनको stay order मिला है, उनको भी hearing, यानी कोर्ट से बड़ा बन गया कि यहाँ पर विजय माल्या घोटाला करके भाग जाता है, नीरव मोदी भाग जाता है, व्यापम घोटाला होता है, मगर एक भी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन वो टीचर्स जो इतना शिक्षित होने के बाद नौकरी पर लगता है, आप उस पर अलग अलग तरीके से मुकदमे चला रहे हैं, 10 साल पुरानी हमारी जॉब है, 12 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, तो उन पर आप हियरिंग कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है, और साथ ही जो एजुकेशन का बजट है वो दिन ब दिन कम होता ही जा रहा है, एक एक क्लास में 60-70 बच्चे हैं, तो बजाय इसके कि नए स्कूलें खोली जाएं ताकि क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो और हमारे भारत के बच्चे ऑलराउंड डेवलपमेंट हम उनका कर सकें, तो ये नारा क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर यहाँ की बेटियाँ पीछे और यहाँ हम ही खतरे में, तो ये कैसा दोगला रवैया है इस सरकार का? हमें जवाब चाहिए। हम किसी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बर्बाद तो ये पूरे भारत की जनता को कर रहे हैं, भारत के बच्चों को ये बर्बाद कर रहे हैं, हम तो आबादी चाहते हैं भाई। एसटीवी न्यूज के लिए मुंबई से न्यास खान की रिपोर्ट।